वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी अग्रेसिव बैटिंग और मीडियम फास्ट स्विंग गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को कई शानदार जीतें दिलाई हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट विश्लेषक उन्हें अपने जमाने का सबसे धाकड़ ऑलराउंडर्स में से एक भी मानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के सबसे धाकड़ ऑलराउंडर लांस क्लूजनर के बारे में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस लाजवाब सितारे की जिंदगी की दास्तान। लांस क्लूजनर का जन्म 4 सितंबर 1971 को साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था। लोग उन्हें प्यार से जुलू कहकर भी बुलाते थे, क्योंकि उन्हें जुलू भाषा की अच्छी समझ थी और वो जुलू भाषा काफी अच्छी तरीके से बोल भी सकते थे। उनके पिता भी एक स्पोर्ट्समैन थे और वो पोलो के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे। उनके पिता का एक फार्म हाउस था जहां गन्ने की खेती की जाती थी। इस वजह से क्लूजनर के पिता उन्हें अक्सर फार्म हाउस में लेकर जाया करते थे, जहां वो फार्म हाउस के वर्कर्स के बच्चों के साथ रनिंग करते, फुटबॉल खेलते और अपनी फिजिक को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। क्योंकि वर्कर्स के वो बच्चे ज़्यादातर जुलू भाषा में बात करते थे, इस वजह से क्लूजनर को भी इस लैंग्वेज की समझ हो गई थी। जब वो थोड़े बड़े हुए तब उनके पिता ने उन्हें डरबन के ही एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। इस तरह उन्होंने अपनी स्कूलिंग डरबन हाई स्कूल से पूरी की। हाई स्कूल के फाइनल ईयर के दौरान उन्होंने स्कूल की क्रिकेट टीम की ओर से एक बल्लेबाज के तौर पर कई मैच भी खेले और अच्छा प्रदर्शन भी किया। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने चले गए। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक मिलिट्री में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान वो मिलिट्री की ट्रेनिंग के बाद जो भी खाली वक्त मिलता उसमें वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। उन दिनों में ही उन्होंने गेंदबाजी करते हुए एक बात सीखी कि अगर आप बल्लेबाज के विकेट को हिट नहीं कर सकते हैं तो आप बल्लेबाज के सर को हिट करो, इसके बाद आपको बल्लेबाज की विकेट आसानी से मिल जाएगी। मिलिट्री की सर्विस पूरी करने के बाद उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस दौरान वो लोकल टीमों के साथ मैच खेलते और अपने प्रदर्शन को एनालिसिस भी करते थे। एक दिन नटाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के मैनेजर डेनिस कार्लस्टीन ने एक प्रैक्टिस मैच के दौरान क्लूजनर को गेंदबाजी करते हुए देखा। उन्हें क्लूजनर में एक अच्छे क्रिकेटर बनने की संभावना दिखी। उन्होंने क्लूजनर को अगले दिन अपने क्लब के नेट प्रैक्टिस सेशन में आने के लिए कहा। अगले दिन वहां पहुंचकर क्लूजनर ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से वहां के सेलेक्टर्स को काफी प्रभावित किया। साल 1991 में उन्हें नटाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में भी शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने कमाल का ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने जनवरी 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओडीआई मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। वो अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में बिना कोई रन बनाकर आउट हुए और गेंदबाजी करते हुए भी कोई विकेट नहीं हासिल कर सके, लेकिन अपने तीसरे एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और नाबाद 88 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से जीत दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद इसी साल नवंबर में उन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। हालांकि वो अपने डेब्यू टेस्ट में बल्ले से तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कर दी। उन्होंने इस टेस्ट की दूसरी पारी में 64 रन देकर 8 विकेट चटकाए। उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और साउथ अफ्रीका ने यह टेस्ट 329 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। इसके बाद साल 1997 के शुरुआत में ही उन्होंने भारत के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में नाबाद 102 रनों की शानदार पारी खेली और एक बल्लेबाज के तौर पर भी अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहे। इससे पहले उन्हें मुख्यतः एक गेंदबाज के तौर पर ही टीम में शामिल किया जाता रहा था। इसी साल नवंबर 1997 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ विल्स क्वाड रेंगलर टूर्नामेंट के 6ठे एक दिवसीय मैच में एक और गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन किया। पहले तो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाते हुए 6 विकेट अपने खाते में डाले। उनके इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन का ही नतीजा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच 66 रनों से जीतने में कामयाब रही। इसके बाद
बारी आई साल 1999 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की। अब तक क्लूजनर साउथ अफ्रीकन टीम के एक मुख्य स्तंभ बन चुके थे, क्योंकि वो एक शानदार बल्लेबाज तो थे ही, इसके अलावा वो एक उपयोगी गेंदबाज और बेहतरीन फील्डर भी थे। इस वजह से साउथ अफ्रीका की टीम को इस वर्ल्ड कप में उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं। क्लूजनर ने भी अपनी टीम को निराश नहीं किया और अपने पहले वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए, फिर बल्लेबाजी में भी नाबाद रहते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी एक बार फिर लाजवाब ऑलराउंड प्रदर्शन किया। पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 52 रन बनाए, फिर 3 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका के विजयी अभियान को जारी रखा। उनके इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन आगे के मैचों में भी जारी रखा। उनके लाजवाब ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 214 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए एक समय साउथ अफ्रीका की टीम 44.5 ओवर में 175 रनों पर अपने 6 टॉप के बल्लेबाजों का विकेट गंवाकर मुश्किल में खड़ी थी। तभी क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए लांस क्लूजनर और उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 49 ओवर में टीम के स्कोर को 205 पर 9 कर दिया। अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 9 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे लांस क्लूजनर और गेंदबाजी कर रहे थे डेमियन फ्लेमिंग। क्लूजनर ने फ्लेमिंग के पहले दोनों गेंदों में जोरदार शॉट लगाया और दोनों ही बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर थी। इस तरह क्लूजनर ने 2 चौके जड़कर टीम के स्कोर को बराबर कर दिया था। अब जीत के लिए 4 गेंदों में केवल 1 रन की जरूरत थी। सबको लग रहा था कि यहां से साउथ अफ्रीका मैच को जीत लेगी, लेकिन 4थे गेंद में उन्होंने एक गलती की और एक रिस्की सिंगल लिया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े एलन डोनाल्ड उन्हें कवर नहीं कर पाए और रन आउट हो गए। क्योंकि सुपर सिक्स मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, इस वजह से मैच टाई होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को विजयी घोषित कर दिया गया। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने फाइनल में पहुंचने का मौका गंवा दिया। इन सब के बावजूद क्लूजनर इस वर्ल्ड कप के हीरो रहे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 281 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट भी लिए। उनके इस बेमिसाल प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। इसके बाद भी उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के सिलसिले को जारी रखा और दक्षिण अफ्रीका के लिए कई सारे मैचों में मैच विनर भी साबित हुए। उनके एग्रेसिव खेल की वजह से उन्हें शुरुआत में केवल एकदिवसीय क्रिकेट का ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन माना जाता था, लेकिन दिसंबर 1999 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 221 गेंदों में 174 रनों की शानदार पारी खेलकर इस बात को गलत साबित कर दिया था। उनके लाजवाब खेल को ध्यान में रखते हुए उन्हें साल 2000 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से कई अहम मैचों में दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाने वाले इस लाजवाब ऑलराउंडर ने आखिरकार साल 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 90 के दशक में क्लूजनर किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित हो रहे थे, क्योंकि वो अपने अपोनेंट को दोनों ही तरह से तोड़ डालते थे। अगर वो बल्लेबाजी में असफल रहे तो वो गेंदबाजी से बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते थे। अगर गेंदबाजी में नहीं चले तो समझो अब गेंदबाजों की सामत आने वाली है। इसीलिए अपोनेंट टीम को क्लूजनर से सबसे ज़्यादा खतरा महसूस होता था। जहाँ दूसरी टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों और गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आती थी, वहीं क्लूजनर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख देते थे, और जब वो गेंदबाजी करते थे तब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज केवल अपने विकेट बचाने को तरजीह देते थे। तो ऐसा था खौफ लांस क्लूजनर का। बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 49 टेस्ट मैचों में 4 शतकों और 8 अर्धशतकों की मदद से 1906 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 174 रन है। वहीं 171 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 शतकों और 19 अर्धशतकों की मदद से 3576 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 103 रन है। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 80 विकेट्स और एकदिवसीय मैचों में 192 विकेट्स अपने खाते में डाले हैं, जिसमें टेस्ट मैचों में एक पारी में 64 रन देकर 8 विकेट
एवं एक दिवसीय मैचों में 49 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2000 में अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही इजाबेल से विवाह किया, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हैं, जिनका नाम मैथ्यू, थॉमस और एन्ना है। लेकिन साल 2015 में इन दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक ले लिया। साल 1999 के वर्ल्ड कप में हीरोइक परफॉर्मेंस देने के बाद जब क्लूजनर अपने घर लौटे तब उन्हें एक फोन कॉल आया। जब फोन करने वाले ने अपना परिचय दिया तो क्लूजनर सन्न रह गए। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के महान लीडर और तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। मंडेला ने क्लूजनर को वर्ल्ड कप में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनके शानदार भविष्य की कामना भी की। उन दोनों ने करीब आधे घंटे तक जुलू भाषा में ही बात की। इतने शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद साल 2003 में जब ग्रीम स्मिथ को साउथ अफ्रीकन टीम का कप्तान बनाया गया तो स्मिथ ने क्लूजनर को टीम में लेने से मना कर दिया था। स्मिथ के अनुसार क्लूजनर टीम में फूट डालने का काम करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सॉन पॉलक जैसे रेगुलर महान गेंदबाज के रहते हुए भी क्लूजनर साउथ अफ्रीका की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज है। तो इन सब बातों को जानकर आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि लांस क्लूजनर किस लेवल के खिलाड़ी थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले ही अपने दम पर हारी हुई बाजी को भी अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखते थे। फिलहाल वो अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच है और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोचिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आने वाले समय में एक शानदार टीम के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो दोस्तों, ये तो थी साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर लांस क्लूजनर की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।